कि नोएडा में जिस तरीके से विकास पहले होता आया था, पिछले 10 से 12 सालों में आपने देखा कि पूरा नोएडा लूट के रख दिया इन लोगों ने। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, एक एक की जांच हो रही है और जांच होने के बाद सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। और गुंडागर्दी में आपने देख लिया होगा, गुंडों का इलाज कैसे होता जा रहा है वो भी आपने देख लिया होगा। 5 साल त्राही त्राही मच गई उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया। बुलंदशहर की घटना आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में चर्चित हुई। शर्मसार हो गए हम जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, हम शर्मसार हो गए जब व्यापारी का अपहरण होता था, व्यापारी के साथ लूट होती थी। अरे व्यापारी घर से तो निकलता था लेकिन व्यापारी घर पे सुरक्षित आएगा नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं होता था दोस्तों। मैं जानता हूँ जब एक बेटा रोजगार के लिए निकलता था तो जब घर से निकलता था उसकी माँ फोन करने लगती थी, उसकी माँ पूछने लगती थी बेटा कहाँ पहुंचा है, तो बेटा बताता था तो सिकंदराबाद से निकला हूँ। माँ पूछती थी कहाँ पहुंचा है, दादरी पहुंचा हूँ, और माँ पूछती थी कहाँ पहुंचा है, गाजियाबाद पहुंचा हूँ। और जब तक फोन करती रहती थी जब तक यूपी की सीमा नहीं छोड़ देता था, क्योंकि माँ जानती थी मेरा बेटा घर से निकला है, पता नहीं सुरक्षित वापिस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इतनी गुंडागर्दी करने वाली सरकार बैठी हुई थी।